हाय स्टूडेंट्स, रे ऑप्टिक्स का एक मेजर सेक्शन हम ऑलरेडी प्रीवियस चेकलिस्ट में कवर कर चुके हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस चेकलिस्ट में हम स्टार्ट करेंगे थिन लेंसेज के रिफ्रैक्शन से और भी बहुत सारी चीज़ें जो रे ऑप्टिक्स में बची हैं दैट वी आर गोइंग टू कंक्लूड इन दिस लास्ट चेकलिस्ट ऑफ रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा सेक्शन है जिसमें से जेई मेन, जेई एडवांस, नीट सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस लगातार और काफ़ी वेटेज के साथ पूछे जाते रहे हैं और इन फ्यूचर ऑल्सो पूछे जाते रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चेकलिस्ट वीडियो रेगुलर देखे नहीं हैं वो इन चेकलिस्ट वीडियो पे अगर नए हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को देखने के बाद, लास्ट तक कंप्लीट करने के बाद हमारे चेकलिस्ट का सैंपल वीडियो देखें जिसमें मैंने ये बताया किस तरीके से आप अपनी सैंपल चेकलिस्ट, जो सैंपल चेकलिस्ट मैंने बताई उससे आप अपनी कॉन्सेप्ट चेकलिस्ट बना सकते हैं और इन गाइडेड चेकलिस्ट से अपनी कॉन्सेप्ट चेकलिस्ट को मैप कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि अब वो अगर एक महीने बाद ही एग्जाम देने वाले हैं तो क्या उन्हें कॉन्सेप्ट चेकलिस्ट बनानी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं ये कहूँगा कि अगर रिसेंटली आपके एग्जाम आने वाले हैं एक या दो महीने में, तो अब आप डिटेल में कॉन्सेप्ट चेकलिस्ट शायद नहीं बना पाएंगे। आप उन चीज़ों के साथ इट इज़ बेटर कि ये गाइडेड चेकलिस्ट को फॉलो करें और सारे पॉइंट्स को अपने रिविजन के लिए लगातार यूज करते रहें। आइए अपन आगे बढ़ते हैं और इस रे ऑप्टिक्स की लास्ट चेकलिस्ट में रिमेनिंग सारे पॉइंट्स को कवरअप करते हैं। स्टे ट्यून्ड। डियर स्टूडेंट, सबसे पहला पॉइंट हम कवर करेंगे थिन लेंसेज। अगर आप देखें दो तरह के थिन लेंसेज होते हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, कॉन्वेक्स लेंसेज और कॉनकेव लेंसेज। इन कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंसेज को हम कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंसेज भी कहते हैं। जैसे मिरर में कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग की जब बात की जाती है तो ये डिफाइन किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू पैरेलल लाइट रेज। सिमिलरली थिन लेंसेज में भी जब पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट होती हैं तो कॉन्वेक्स लेंसेज का नेचर ये होता है कि वो एक पॉइंट पे लाइट रेज को कन्वर्ज करते हैं, कॉनकेव लेंसेज डाइवर्ज करते हैं। तीन तरह के लेंसेज एग्जिस्ट करते हैं, कॉन्वेक्स भी, कॉनकेव भी। कॉन्वेक्स लेंसेज को मैंने यहाँ तीन डायग्राम से रिप्रेजेंट किया, आप ये देख सकते हैं। अगर दो स्फेरिकल सर्फेसेज आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक प्लेन सर्फेस और स्फेरिकल सर्फेस इंटरसेक्ट कर रही हैं और इस तरह से इंटरसेक्ट करें कि दोनों सर्फेसेज के सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ही साइड है, इनिशियली C1 C2 अपोजिट साइड है, इस केस में एक C है, दूसरे का सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी पे है। यानी अगर दो सर्फेसेज इंटरसेक्ट करके एक रीजन को बाउंड कर रही हैं और उसमें एक ट्रांसपेरेंट मीडियम फिलअप किया गया है, दिस सिस्टम बिहेव्स एज कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स लेंस। जब भी पैरेलल लाइट रेज इसके ऊपर इंसिडेंट होंगी तो ये हमेशा किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगी, जिस पॉइंट को हम कहते हैं फोकल पॉइंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस। तीनों का बिहेवियर सेम होता है। और अगर दो स्फेरिकल सर्फेसेस पास पास हैं लेकिन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, चाहे ये केस हो जिसमें C1 C2 अपोजिट साइड्स हैं, एक C है, एक प्लेन सर्फेसेस है और C1 और C2 सेम साइड है, इन तीनों केसेस के अंदर हम ये कह सकते हैं जब पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट होती हैं तो ये लाइट रेज डाइवर्ज करती हैं इन सच अ वे दैट दे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट विच वी कॉल फोकल पॉइंट और द फोकस इज वर्चुअल इन केस ऑफ अ डाइवर्जिंग लेंस। इन लेंसेज का नॉमनक्लेचर भी बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट केस को हम कहते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस, जहाँ पे कि दोनों सर्फेसेज कॉन्वेक्स होती हैं। अगर एक प्लेन है दिस इज कॉल्ड प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और जब दोनों सर्फेसेज के सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ही साइड हैं सो एक ये क्रेसेंट मून जैसा स्ट्रक्चर बनता है, दिस कॉल्ड कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप, ये तीनों कॉन्वेक्स लेंसेज हैं, नॉमनक्लेचर इज लाइक दिस। बाई कॉन्वेक्स में अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों तरफ के R1 और R2 सेम हैं तो आप ये कह सकते हैं इफ़ R1 इज इक्वल्स टू R2 देन इट इज़ कॉल्ड इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इन केस ऑफ कॉनकेव लेंसेज दिस कॉल्ड बाई कॉनकेव लेंस और इक्वी कॉनकेव लेंस। इन केस ऑफ सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर दिस प्लेनो कॉनकेव लेंस एंड दिस कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। सो कई स्टूडेंट्स कन्फ्यूज होते हैं कॉन्वेक्सो कॉनकेव या कॉनकेवो कॉन्वेक्स एक ही चीज़ होती है, तो ये गलत है, दोनों सेम नहीं होते। कॉनकेवो कॉन्वेक्स इज अ कॉन्वेक्स लेंस जिसमें दोनों से सर्फेसेज जो बाउंड कर रही हैं लेंस के रीजन को वो कॉर्नर पे इंटरसेक्ट करती हैं, और कॉन्वेक्सो कॉनकेव इज अ कॉनकेव लेंस जिसमें दो सर्फेसेज जो रीजन को बाउंड कर रही हैं लेंस के वो एंड पॉइंट्स पे आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। ये डाइवर्जिंग फैमिली ऑफ लेंसेज है, इन पे अगर पैरेलल लाइट आएगी तो वो लाइट डाइवर्ज होगी
और वो किसी एक पॉइंट से आते हुए अपीयर होंगे, दैट इज द वर्चुअल फोकस ऑफ द लेंस. इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस लाइट लेफ्ट से आ रही है या राइट से आ रही है. आप हमेशा ध्यान रखेंगे फोकल लेंथ ऑफ अ थिन लेंस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डायरेक्शन. इस बात का आपको ध्यान रखना है. इसको नोट भी रख सकते हैं आप कि फोकल पॉइंट और फोकल लेंथ ऑफ अ थिन लेंस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस. इस चीज का ध्यान रखेंगे. डिटेल में फोकल लेंथ को हम और आगे ले लेते हैं. पॉइंट वाइज हम अब चेकलिस्ट में आगे बढ़ रहे हैं. बेसिक डेफिनेशन जरूरी थी लेंसेज की, इसके बाद हम एक एक करके सारे पॉसिबल केसेस कवर करेंगे जिन पे अब तक जेई मेन या नीट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं या इन फ्यूचर पूछे जा सकते हैं. आइए आगे बढ़ते हैं. पोजी प्लीज क्लियर करो. थैंक यू पोजी. सो स्टूडेंट हम नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस. इन केस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर हम पढ़ चुके हैं कि मिरर की फोकल लेंथ होती है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ. अगर हम बात करें पेरेक्सिल रेज की, पेरेक्सिल रेज यानी जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत क्लोज हैं या बहुत ही स्मॉल एंगल पे मिरर पे इंसिडेंट होती हैं. सिमिलरली थिन लेंस के लिए भी यही माना जाता है कि हम पेरेक्सिल रेज के लिए ही फोकल पॉइंट को डिफाइन कर रहे हैं और अपर्चर ऑफ लेंस को बहुत छोटा माना जाता है. इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पहले फोकल लेंथ की बात करते हैं. दो तरह से फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस डिफाइन किया जाता है, एक प्राइमरी फोकल लेंथ एक सेकेंडरी फोकल लेंथ. एंड गुड न्यूज इज फॉर अ थिन लेंस, जब हम एक थिन लेंस यानी बहुत पतले लेंस की बात कर रहे हैं तो फोकल लेंथ एक ही होती है, प्राइमरी सेकेंडरी फोकल लेंथ नहीं होती. लेकिन फोकस पॉइंट अलग अलग होते हैं, फोकल पॉइंट्स F1, F2, प्राइमरी सेकेंडरी अलग अलग होते हैं. आइए समझते हैं. कॉन्वेक्स लेंस में अगर एक पॉइंट है जहां पे एक लाइट सोर्स रखा है, अगर ये यहाँ से फोकल लेंथ F डिस्टेंस पे रखा गया है या ये कहीं फोकल लेंथ F1 है, तो इस पॉइंट सोर्स से निकलने वाली सारी लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है. इस पॉइंट को कहा जाता है प्राइमरी फोकल पॉइंट या प्राइमरी फोकस ऑफ द लेंस. सिमिलरली एक फोकल पॉइंट लेंस के आगे होता है, अगर पैरेलल रेज किसी लेंस पे इंसिडेंट होती हैं तो वो उसके एक फोकल पॉइंट पे लेंस के आगे रिफ्रैक्शन के बाद कन्वर्ज होती हैं. द फोकल लेंथ इज F2. इन केस ऑफ थिन लेंस F1 इक्वल्स टू F2 होता है. हम ये दिमाग में रखें फॉर थिन लेंसेज फोकल लेंथ अलग नहीं होती, लेकिन जब थिक लेंस होते हैं तो थिक लेंस के प्राइमरी और सेकेंडरी फोकल पॉइंट्स अलग अलग हो सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन गिवन सिचुएशन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एज वेल. सो प्राइमरी और सेकेंडरी फोकस का ध्यान रखें, ये वाला फोकस इसका कहलाएगा सेकेंडरी फोकस. सिमिलरली एक कॉनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस में भी अगर कन्वर्जिंग बीम इसके ऊपर आ रही है और एक पॉइंट की तरफ कन्वर्ज हो रही है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन वो सारी लाइट रेज पैरेलल हो जाती हैं, तो इस फोकल पॉइंट को कहा जाता है प्राइमरी फोकस पॉइंट या प्राइमरी फोकस ऑफ अ कॉनकेव लेंस. और अगर पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट होती हैं, वो डाइवर्ज होती हैं, एक पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई अपीयर हो रही हैं, तो ये वाली जो फोकल लेंथ है और ये पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी फोकस ऑफ द कॉनकेव लेंस. और यहाँ पे भी अगर थिन लेंस है तो फोकल लेंथ F1 इक्वल्स टू F2 सेम ही रहती है. इन केस ऑफ थिन लेंसेज हमेशा दोनों फोकल लेंथ हम सेम लेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी फोकस की डिस्टेंस लेंस से बराबर होती है. इन केस ऑफ थिन लेंसेज ये ध्यान रखना है. कई बार क्वेश्चंस प्राइमरी फोकस और सेकेंडरी फोकस पे आते हैं और स्टूडेंट्स अपने फॉर्मूलों पे चलते रहते हैं और अपनी परसेप्शन की वजह से मार्क्स लूज करते हैं, तो बेसिक डेफिनेशन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. पोजी प्लीज क्लियर करो. थैंक यू भोजी. सो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट, ऑलरेडी आपने ग्रेड 9-10 लेवल पे है, इवन कई स्टूडेंट्स जो ओलंपियाड लेवल पे प्रिपेयर करते हैं, जूनियर ओलंपियाड लेवल पे प्रिपेयर करते हैं, उन्होंने 7th-8th में भी पढ़ा हुआ है, दैट इज स्टैंडर्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज और सम स्टैंडर्ड लाइट रेज व्हेन दे आर रिफ्रैक्टेड थ्रू थिन लेंसेज, तो उनके साथ किस तरह का पाथ डिविएशन होता है ये हम देखते हैं. और सारे केसेस पेरेक्सिल रेज के लिए बात हो रही है. कॉन्वेक्स लेंस में हम 3 स्टैंडर्ड रेज लेते हैं क्योंकि अभी हम इमेज फॉर्मेशन पे जाने वाले हैं, वहाँ पे यही चीज़ें काम आएंगे. क्विक रिव्यू ले रहे हैं, जो लाइट रे पैरेलल आती है हमने बात की आफ्टर रिफ्रैक्शन वो सेकेंडरी फोकस से पास करती है, जो ऑप्टिक सेंटर पे लेंस के इंसिडेंट होती है वो विदाउट डिविएशन जाती है, जो प्राइमरी फोकस से पास होकर आती है वो पैरेलल हो जाती है. सेम इन केस ऑफ कॉनकेव लेंसेज, जो पैरेलल लाइट आती है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन सेकेंडरी फोकस से पास होती हुई अपीयर होती है क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है तो लाइट रेज डाइवर्ज होंगी.
ऑप्टिक सेंटर वाली एज इट इज जाती है, जो लाइट सेकेंडरी फोकस की तरफ आ रही है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाती है। यहाँ एक छोटा सा पॉइंट मैं बताना चाहूँगा, जो ये सेकेंड पॉइंट है जिसमें ऑप्टिक सेंटर पे आने वाली लाइट रे अनडिफ्लेक्टेड जाती है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब हम इस रीजन को मैग्नीफाई करके देखते हैं तो ये जो थिन लेंस है ये सेंटर के पास ऑलमोस्ट एक पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब जैसा दिखता है, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, यहाँ पे सेंटर के पास ये ऑलमोस्ट एक थिन ग्लास स्लैब जैसा होता है। तो इस पर अगर कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो एक्चुअली जैसा पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब में होता है, ये अपने पाथ से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाती है, देयर इज सम लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन थिन लेंस होने की वजह से लेटरल डिस्प्लेसमेंट नेग्लिजिबल होता है, तो हम इसको ऑलमोस्ट स्ट्रेट मान लेते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि लाइट रे ऑप्टिक सेंटर से पास हो रही है और अगर ऑप्शन में ऐसा गिवन है कि वो अपने पास से थोड़ा सा डिस्प्लेस होती है, तो कई स्टूडेंट को अगर ये रटा हुआ है कि वो अनडिफ्लेक्टेड जाती है, सो वहाँ पे वो ये चूज़ करते हैं कि अनडिफ्लेक्टेड जा रही है, जबकि ये सही नहीं है, डिफ्लेक्शन हो रहा है लेकिन डेविएशन नहीं हो रहा है, ये अपने ओरिजिनल डायरेक्शन के पैरेलल निकल रही है, स्लाइट डेविएशन है। तो इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, जब क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप केयरफुल रहेंगे, जल्दबाजी में अपने मार्क्स नहीं खोने हैं, यू नीड टू बी केयरफुल। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, talk about image formation. थैंक यू पोजी। सो स्टूडेंट, हम बात करते हैं रिलेटिव पोजीशन ऑफ इमेजेस प्रोड्यूस बाई थिन लेंसेज। एक एक करके दो केसेज लेंगे, ये भी केसेज आपने अपनी अर्ली क्लासेज में पढ़े हैं, बट यहाँ लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब स्टूडेंट जेई या नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो इन चीज़ों को ये सोच के इग्नोर करते हैं, क्योंकि नाइन टेंथ में पढ़ी हुई हैं, बहुत एलिमेंट्री हैं। बट माई डियर स्टूडेंट्स, लाइफ में कई जगह ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपने बहुत पहले पढ़ी होंगी और इन बिटवीन आपने इग्नोर करते गए होंगे और उस वजह से वो चीज़ें भूल गए होंगे, लेटर आप रिग्रेट करेंगे कि हमने उस वक्त क्यों इग्नोर करी। सो ये चीज़ें दिमाग में रखने से कई बार जेई मेन इवन जेई एडवांस के भी क्वेश्चंस डायरेक्ट हैंडल करने में हेल्प लगती है, क्योंकि आपकी ब्रेन मेमोरी फ्लैश करती है फंडामेंटल चीज़ों को लेके, इसलिए किसी भी चीज़ को लाइटली नहीं लेना है। हम बात करें रिलेटिव पोजिशन की, क्विकली टेकअप करते हैं। अगर एक कॉन्वेक्स लेंस के लिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो पैरेलल लाइट रेज इस पे आएंगी और ये फोकल पॉइंट पे इमेज बनाएंगी, या ये कहें कि इस फोकल प्लेन में इमेज बनाएंगी। जैसा कि एक मिरर के लिए हमने डिस्कस किया था, अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग प्लेस्ड है तो फोकल पॉइंट पे इमेज बनती है, और किसी और डायरेक्शन में लाइट रेज आ रही है तो फोकल प्लेन में इमेज बनती है। अगर ऑब्जेक्ट 2f के पीछे यानी लेंस के ट्वाइस दी फोकल लेंथ ऑफ पॉइंट के पीछे रखा है तो इमेज f और 2f के बीच में बनती है। यहाँ पे O इज बियॉन्ड 2f और इमेज आप ये कह सकते हैं यहाँ पे बिटवीन f एंड 2f प्रोड्यूस होती है। अगर ये पीछे सेकेंडरी 2f के पीछे है तो प्राइमरी 2f और f के बीच में बनेगी इमेज, स्मॉलर इन साइज होगी। और सबसे बड़ी चीज़ आप ध्यान रखें, जो हमने मिरर के केस में पढ़ा था, मैंने तब भी कहा था कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में द रिलेशन विल रिमेन वैलिड, कि अगर रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन रही है, यहाँ पे भी रियल इमेज है, तो ये हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऑपोजिट साइड यानी इन्वर्टेड बनेगी। सारे केसेज आपके सामने आपके पढ़े हुए हैं, मैं क्विक रिकैप ले रहा हूँ। आप ध्यान रखें, रियल ऑब्जेक्ट की अगर रियल इमेज होगी, चाहे कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट उसे प्रोड्यूस करे, एक रिफ्रैक्शन या एक रिफ्लेक्शन के बाद वो हमेशा इन्वर्टेड होगी। और रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज या वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज अगर नेचर ऑपोजिट है तो वो इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट की साइड होगी या इरेक्टेड होगी। अब देखें नेक्स्ट, 2f पे अगर ऑब्जेक्ट है तो 2f पे इमेज होगी, सेम साइज होगी। अगर f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इमेज 2f के पीछे होगी, ये एनलार्ज्ड होगी, और क्योंकि ये रियल है इसलिए ये इन्वर्टेड इमेज है, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज। अगर f पे ऑब्जेक्ट रखा है यानी आप देखें फोकल प्लेन में ऑब्जेक्ट है तो लाइट रेज पैरेलल होंगी, रिफ्रैक्टेड रेज आर पैरेलल। सो इन दिस केस आप ये कह सकते हैं इमेज विल बी प्रोड्यूस्ड एट इन्फिनिटी। ये बात पहले भी हो चुकी है कि अगर इमेज इन्फिनिटी पे है तो हम उसके रियल या वर्चुअल नेचर की बात नहीं करेंगे, ये पैरेलल आगे भी जाके मिल सकते हैं और पीछे भी जाके मिल सकती हैं, तो इमेज के नेचर की बात इन्फिनिटी प्रोडक्शन के केस में नहीं की जाती। अनदर पॉइंट ऑफ वी टॉक, अगर ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट और पोल ऑफ लेंस या ऑप्टिक सेंटर ऑफ लेंस के बीच में है तो इमेज इन्वर्टेड की जगह इरेक्टेड बनेगी, क्योंकि वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस हो रही है। सारे केसेस आपके पड़े हुए हैं, लेकिन आप दिमाग में रखिए, क्योंकि जब फोकल लेंथ दी जाती है, ऑब्जेक्ट पोजीशन दी जाती है किसी क्वेश्चन में, तो आपको डायरेक्ट हिंट मिलता है कि इमेज
रिलेटिवली किस पॉइंट पे बनने वाली है, तो बेस्ड ऑन दैट आपका रे डायग्राम बनाना या क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिक हिंट आपकी हेल्प कर देता है और आपकी पेस ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन या कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो होता है, इसलिए इस चीज को इग्नोर नहीं करना है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केस पे। पोजी प्लीज क्लियर करो। थैंक यू पोजी। सो स्टूडेंट सेकेंड केस हम बात करेंगे रिलेटिव इमेज पोजिशन प्रोड्यूस बाई अ कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस में अच्छा एक चीज़ मैं और आगे बढ़ने से पहले बता दूं, जब हमने कॉन्वेक्स लेंस की बात की तो प्रीवियस स्लाइड पे हमने सारे लेंसेज बाई कॉन्वेक्स लिए थे, लेकिन वहाँ प्लेनो कॉन्वेक्स या कॉन्केवो कॉन्वेक्स भी होते तो सेम रिलेशन वैलिड रहता, कोई फर्क नहीं था, सिर्फ शेप का फर्क होता है। फोकल लेंथ कैलकुलेशन पे हम अभी चलेंगे तब देखेंगे। उसी तरह यहाँ पे जब हम कॉन्केव लेंस की बात कर रहे हैं, डायग्राम आपको दो बाई कॉन्केव लेंसेज के दिख रहे हैं, लेकिन प्लेनो कॉन्केव या कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस होगा तो भी यही रिलेशन होल्ड करेंगे। पहला केस जब ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी है तो आप ये कह सकते हैं लाइट रेज डाइवर्ज होंगी सच दैट कि वो सेकेंडरी फोकस पे से आती हुई अपीयर होती हैं, यानी फोकल लेंथ की डिस्टेंस पे इमेज प्रोड्यूस होगी, और अगर ये पैरेलल ना आके किसी डायरेक्शन में आती तो ये फोकल प्लेन में इमेज ऊपर या नीचे बन जाती। आपको हमेशा ध्यान रखना है इमेज इज इन फोकल प्लेन, ये वर्चुअल इमेज होगी, पॉइंट साइज्ड होगी। सेकेंड केस ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रख दीजिए, ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन ऑन प्रिंसिपल एक्सेस, यहाँ पे हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि एफ या टू एफ के बीच में, इट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर। आप देखें जो लाइट रेज जाएंगी पैरेलल रेज सेकेंडरी फोकस से पास होती हुई अपीयर होगी और ऑप्टिक सेंटर वाली एज इट इज जाएगी, तो इमेज विल ऑलवेज बी प्रोड्यूस्ड बिटवीन एफ एंड ओ और एफ एंड पी। पी इज द ऑप्टिक सेंटर ऑफ लेंस और पोल ऑफ लेंस। सो यहाँ कह सकते हैं आई इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बिटवीन एफ एंड पी एंड डिमिनिश्ड, हमेशा स्मॉलर इन साइज बनेगी और वर्चुअल होगी, और वर्चुअल इमेज है रियल ऑब्जेक्ट की तो इरेक्टेड बनेगी, बट यहां डिमिनिश बनती है। इस चीज को ध्यान रखें, रियल ऑब्जेक्ट के दो ही पॉसिबल केसेस इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस डिस्कस किए जाते हैं। जैसे अगर हम सिनोनिमसली लें तो इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर भी दो ही पॉसिबल केसेस थे, इन केस ऑफ डाइवर्जिंग मिरर तो यहाँ डाइवर्जिंग लेंस में भी दो ही पॉसिबल केसेस हैं। आपको क्वेश्चन में जब भी डेटा सामने होगा तो डेटा देख के स्ट्राइक हो जाएगा कि अगर रियल ऑब्जेक्ट दिया गया है तो सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज हैं। वर्चुअल ऑब्जेक्ट को हम हमेशा लेंस फॉर्मूले से या इमेज फॉर्मेशन के मैथमेटिकल एनालिसिस से डील करते हैं, दैट आल्सो विल सी शॉर्टली। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। पोजी प्लीज क्लियर करो। थैंक यू पोजी। सो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट हम बात करने वाले हैं फोकल लेंथ ऑफ अ थिन लेंस। आप सबने एक डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा होगा थिन लेंस की फोकल लेंथ के लिए, दैट इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला से आप किसी भी थिन लेंस की डायरेक्ट फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, विच इज गिवन एज 1 बाय एफ इज म्यू माइनस 1 बाय आर 1 माइनस 1 बाय आर 2। यहाँ पे आर 1 आर 2 विच साइन सब्सटीट्यूट होंगे डिपेंडिंग ऑन विच एवर साइन कन्वेंशन यू आर यूजिंग, और म्यू होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। अगर मीडियम एयर है तो ये रिलेशन यूज होगा, फॉर सराउंडिंग मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू म्यू एस हम यूज़ करेंगे 1 बाय फोकल लेंथ इज म्यू ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग माइनस 1 बाय आर 1 माइनस 1 बाय आर 2। और इस रिलेशन को हम जनरलाइज भी कर सकते हैं फॉर थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ लेंसेज, लाइक अगर हम बात करें यहाँ पे इक्वी कॉन्वेक्स और इक्वी कॉन्केव लेंस। सो इक्वी कॉन्वेक्स या इक्वी कॉन्केव की जब हम बात करेंगे तो आर वन इक्वल टू आर टू होगा, लेकिन दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर अपोजिट साइड होंगी तो माइनस आने की वजह से ऐड हो जाएगा। अगर आर वन पॉजिटिव है तो आर टू नेगेटिव होगी, आर वन नेगेटिव है तो आर टू पॉजिटिव होगी। सो हम यहाँ पे बात करें अगर फॉर बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉन्केव तो ये रिलेशन हमारे पास आता है 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, दिस 2 बाई आर एंड दिस इन मैग्नीट्यूड वी आर टॉकिंग ऑफ, ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। यहाँ पे आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, वी कैन राइट इट लाइक दिस, इट विल बी आर 1 प्लस आर 2 डिवाइडेड बाई आर 1 आर 2, दिस इन मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से फोकल लेंथ हमारे पास आती है आर 1 आर 2 डिवाइडेड बाई
म्यू माइनस वन आर वन प्लस आर टू। ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, प्लस या माइनस साइन डिपेंडिंग ऑन साइन कन्वेंशन हम यूज़ करेंगे। एंड फॉर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे वन आर वन इक्वल्स टू आर टू इक्वल्स टू आर होगा, तो यही रिलेशन हमारे सामने आ जाएगा, आर डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई म्यू माइनस वन। ये रिलेशन आप ध्यान रख सकते हैं फॉर इक्वी कॉन्वेक्स एंड दिस फॉर बाई कॉन्वेक्स और इक्वी कॉनकेव एंड बाई कॉनकेव। सेम अगर यहाँ पे बात करें फॉर प्लेनो कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉनकेव लेंस, सो प्लेनो कॉनकेव या प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए आप लिख सकते हैं वन बाई एफ इज म्यू माइनस वन। ऑब्वियसली प्लेनो के केस में एक रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट हो जाएगा तो एक ही बचेगा, सो फॉर मैग्नीट्यूड दिस कम्स आउट टू बी वन बाई आर ओनली, या आप फोकल लेंथ को लिख सकते हैं आर बाई म्यू माइनस वन। दिस इज द रिलेशन वी यूज इन मैग्नीट्यूड। एंड फॉर कॉनकेवो कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्सो कॉनकेव, इन सच केसेस फोकल लेंथ आप डायरेक्टली मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, क्योंकि कॉनकेवो कॉन्वेक्स या कॉनवेक्सो कॉनकेव में रेडियस ऑफ कर्वेचर या दोनों पॉजिटिव होंगी या दोनों नेगेटिव होंगी, सो मैग्नीट्यूड विल कम आउट टू बी लाइक दिस आर वन आर टू डिवाइडेड बाई म्यू माइनस वन टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ आर वन माइनस आर टू, दिस वॉट वी आर गोइंग टू यूज। सो ये रिलेशंस आप ध्यान रखें, ये डायरेक्ट फोकल लेंस किसी भी तरह के लेंस के लिए डायरेक्ट कैलकुलेशन में आपकी हेल्प करेगी। इस फॉर्मूले के डेरिवेशन पे हम यहाँ नहीं जा रहे हैं चेकलिस्ट में, आप फिजिक्स गैलेक्सी वॉल्यूम 4 बुक में देख सकते हैं या कॉन्सेप्ट वीडियो में रिफ्रैक्शन फॉर्मूले का पूरा एनालिसिस है जिससे आप डायरेक्टली इसको डिराइव कर सकते हैं। ये आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पोजी प्लीज़ क्लियर करो। थैंक यू पोजी। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे इमेज एनालिसिस या एनालिसिस ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय थिन लेंसेज। जैसे हमने मिरर के बारे में बात करी थी, रिफ्रैक्शन के बारे में बात करी थी, थिन लेंसेज की वजह से जो इमेज प्रोड्यूस होती है उसमें भी चार पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, चार पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला है लोकेशन ऑफ इमेज, फिर नेचर ऑफ इमेज रियल है वर्चुअल है, इमेज साइज जो मैग्निफिकेशन से निकाला जाता है, और ओरिएंटेशन ऑफ इमेज की वो इरेक्टेड है या इन्वर्टेड है। फोर्थ पॉइंट के लिए आप डायरेक्ट दिमाग में रखें जो टेक्निक मैंने बताई थी कि ऑब्जेक्ट इमेज का नेचर सेम है तो इमेज इन्वर्टेड होती है, नेचर अपोजिट है तो इमेज इरेक्टेड होती है, इस चीज़ का ध्यान रखें, हमेशा वैलिड है। सो फोर्थ पॉइंट अलग से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। कई स्टूडेंट मैग्निफिकेशन फार्मूला से ओरिएंटेशन निकालते हैं, उसमें गड़बड़ हो जाती है क्वेश्चन में जब मल्टीपल रिफ्रैक्शंस होते हैं तो साइन कई बार गड़बड़ कर देता है, तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। टाइम सेव करना चाहते हैं तो डायरेक्ट यूज करें, क्वेश्चन इजीली हैंडल होते हैं। लोकेशन की अगर हम बात करें तो लोकेशन डायरेक्टली यहां पे कैलकुलेट की जाती है लेंस फार्मूला से। लेंस फार्मूला इज सिमिलर टू मिरर फार्मूला, स्लाइटली डिफरेंट, वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ, दिस वॉट वी यूज एज लेंस फार्मूला। इस फॉर्मूले में एफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस है, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और वी इमेज डिस्टेंस। साइन कन्वेंशन हम यहाँ पे वही यूज़ कर रहे हैं, आप पीजी कॉन्सेप्ट वीडियो में देखेंगे तो मैंने सेम साइन कन्वेंशन दिया, राइट साइड पॉजिटिव लेफ्ट साइड नेगेटिव दैट्स इट, और कोई दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी कन्वेंशन पे हैबिचुअल हैं तो उसके लिए भी ये फॉर्मूला वैलिड है, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता है। नेचर ऑफ इमेज अगेन, अगर कन्वर्जिंग रिफ्रैक्टेड रेज हैं इसका मतलब इमेज रियल होगी, और अगर डाइवर्जिंग रिफ्रैक्टेड रेज हैं तो इसका मतलब इमेज वर्चुअल होगी। दिस अगेन द सेम रूल जो अपन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या स्फेरिकल मिरर्स के केस में पढ़ते हैं, वही लॉजिक लगेगा, कोई कन्फ्यूजन या डिफरेंस नहीं है। साइज ऑफ इमेज हम यहाँ पर निकालते हैं मैग्निफिकेशन फार्मूला से। मैग्नीफिकेशन फार्मूला भी आप डायरेक्ट मैग्नीट्यूड पे फोकस करें, मैग्नीफिकेशन मैग्नीट्यूड इज गिवन एज वी बाई यू मॉड। आप साइन अगर यूज़ करना चाहेंगे तो एनसीईआरटी का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, बट मैग्नीट्यूड यूज़ लेंगे तो कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, सिर्फ डिस्टेंसेज का रेशियो लीजिए। वंस यू गेट द मैग्नीफिकेशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लेटरल मैग्नीफिकेशन। जैसे हम लेंस और मिरर और रिफ्रैक्शन के केस में लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन की हमने बात करी, यहाँ पे भी लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन यूज़ कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन इज गिवन एज वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, ये आप ध्यान रखिएगा। और लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन कैसे यूज़ होता है ये ऑलरेडी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं।
अगर अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो इमेज की विड्थ होगी दैट इज गिवन बाय दिस फार्मूला एंड दिस वैलिड ओनली इफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल. और यही दोनों फार्मूले हमारे पास यूज हो जाते हैं वेलोसिटी मैग्निफिकेशन के लिए भी. आपको याद होगा वेलोसिटी मैग्निफिकेशन में हमने एक्स और वाई दो डायरेक्शन में वेलोसिटीज की बात करी. अगर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट वेलोसिटी गिवन है आप उसको लेटरल मैग्निफिकेशन से मल्टीप्लाई कीजिए इमेज वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में आ जाएगी. और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन से एक्स डायरेक्शन की यानी अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इमेज की अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस वेलोसिटी आ जाएगी. डायरेक्शन निकालने के लिए आई स्ट्रांगली सजेस्ट आप यही देखिए कि ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट की तरफ जा रहा है या अवे जा रहा है तो रिलेटिव पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन से क्लियर कट पता चलता है कि इमेज फोकस की तरफ आएगी या फोकस से अवे जाएगी. डायरेक्शन आप क्वालिटेटिवली निकालें मैथमेटिकली डिपेंडेंट ना हो. जरा सी गलती आपको नेगेटिव मार्किंग की तरफ लेके जाएगी और आप मार्क्स लूज करेंगे. जबकि फंडामेंटल मेथड्स हम 9th-10th ग्रेड से यूज करते आ रहे हैं उसमें गलती होने का कोई चांस नहीं है. 100% आपके मार्क्स सिक्योर रहेंगे. ओरिएंटेशन मैं बता चुका हूं. ओरिएंटेशन की कैलकुलेशन हम नेचर से करते हैं. सेम नेचर अगर ऑब्जेक्ट और इमेज का है तो इमेज ऑब्जेक्ट साइड के ऑपोजिट यानी इन्वर्टेड होती है. अगर नेचर ऑपोजिट है तो इमेज ऑब्जेक्ट साइड यानी इरेक्टेड होती है. इसके इलस्ट्रेशंस मैं यहाँ नहीं ले रहा हूँ. बहुत सारे इलस्ट्रेशंस पॉसिबल हैं जो कॉन्सेप्ट वीडियो में दिए गए हैं. साथ ही एडवांस इलस्ट्रेशन में बहुत सारे इलस्ट्रेशंस ऑलरेडी समझाए गए हैं. वो सारे सॉल्व केसेस आप देखें अगर टाइम है तो. टाइम नहीं है आप इन फॉर्मूलों को दिमाग में रखें ताकि एज ए रिविजन ये सारी चीज़ें आपकी हेल्प करेंगे. कई और पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं. नेक्स्ट पॉइंट से हम फर्दर प्रोसीड करते हैं. पोजी प्लीज़ क्लियर करो. थैंक यू पोजी. सो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वेरिएशन कर्व्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंसेस. सिमिलर कर्व्स हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स के लिए बात करी थी. यहाँ पे हम कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग लेंसेज के लिए बात करेंगे. कन्वर्जिंग यानी कॉन्वेक्स लेंस प्लेस्ड इन एयर और डाइवर्जिंग यानी कॉन्केव लेंसेज प्लेस्ड इन एयर. नेचर भी कई बार कॉन्वेक्स और कॉन्केव के चेंज होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट में हम उसे लेंगे. सो यहाँ पे पहले आप देखिए जो अपना लेंस फार्मूला है 1/v - 1/u = 1/f. जब आप लेंस की इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं तो डायरेक्टली आप ये देख सकते हैं इन दोनों कर्व से. और दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं. ऑपोजिट फॉर्मेट में बने गए हैं जैसे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के थे. आपको ये ध्यान रखना है कि इन दिस सिचुएशन अगर u इन्फिनिटी पे टेंड करता है तो इमेज प्रोड्यूस होती है प्लस f यानी फोकल पॉइंट के ऊपर. और u अगर हम यहाँ पे देखें फोकल पॉइंट पे यानी माइनस f पे आता है लेंस के पीछे जाते हैं तो इमेज इन्फिनिटी पे जाती है. और इन्फिनिटी पे दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं रियल और वर्चुअल इमेज की. इन्फिनिटी के दोनों पॉइंट से इमेज प्रोड्यूस होके आ सकती है. और अगर हम बात करें u माइनस इन्फिनिटी पे तो कॉरस्पॉन्डिंगली आप देखें तो v का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टच करता है. सेम प्लस इन्फिनिटी टच करता है. इसी तरीके से डाइवर्जिंग लेंस के लिए भी हम डिफाइन कर सकते हैं यानी कॉनकेव लेंसेज के लिए डिफाइन कर सकते हैं. कर्व्स ऑलमोस्ट वही हैं जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स के थे. सिर्फ ओरिएंटेशन अलग है. तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट स्टूडेंट्स कि आप अपनी कॉपी में जहाँ पे भी आपने इस गाइडेड चेकलिस्ट के पॉइंट्स लिखे हैं तो मिरर वाले और लेंस वाले दोनों वेरिएशन कर्व्स को केयरफुली देख लें. क्योंकि अगर एग्जाम में आता है और आपने ओरिएंटेशन गलत बना दिया आप मार्क्स लूज कर देंगे. सो यू जस्ट नीड टू बी केयरफुल वाइल सेलेक्टिंग द कर्व्स और फॉर द गिवन कर्व्स सेलेक्टिंग द ऑप्शंस गिवन. तो वो थोड़ा सा केयरफुल रहना है. क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि गिवन लेंस कौन सी सिचुएशन फेवर करता है. आप देखें डाइवर्जिंग लेंस में जो लेफ्ट वाला टॉप क्वाड्रेंट है सेकेंड क्वाड्रेंट ही एम्प्टी है जो कोरस्पॉन्ड करता है वी की पॉजिटिव वैल्यू और यू की नेगेटिव वैल्यू. वी की पॉजिटिव वैल्यूज हमेशा रियल इमेज को डिनोट करती हैं. यू की नेगेटिव वैल्यूज रियल ऑब्जेक्ट को डिनोट करती हैं. तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि कॉनकेव या डाइवर्जिंग लेंस के केस में कभी भी रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बनती. बाकी तीनों पॉसिबल केसेस लिखें. इसी तरह से अगर हम बात करें कन्वर्जिंग लेंस या कॉन्वेक्स लेंसेज के बारे में तो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट एम्प्टी है जो बताता है यू की पॉजिटिव वैल्यू और वी की नेगेटिव वैल्यू. पॉजिटिव यू की वैल्यूज रियल वर्चुअल ऑब्जेक्ट को डिनोट करती हैं क्योंकि यू पॉजिटिव होगा जब कन्वर्जिंग लाइट रेज इंसिडेंट होंगी. तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वी की नेगेटिव वैल्यूज यानी वर्चुअल इमेज. तो यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज कभी भी कन्वर्जिंग लेंस या कॉन्वेक्स लेंसेज से प्रोड्यूस नहीं होती. यही एनालिसिस आप मिरर के लिए कर सकते हैं. वहाँ पे मैंने इतना डेप्थ में नहीं समझाया था बट आप इजीली एनालाइज कर सकते हैं योर वी की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज से किस तरह के ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज प्रोड्यूस हो रही है. आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. पोजी प्लीज क्लियर करो.
थैंक यू भाजी. सो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग बिहेवियर ऑफ लेंसेज, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग नेचर ऑफ थिन लेंसेज. हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि जब एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, इस कॉन्वेक्स लेंस पे जब भी लाइट रेज इंसिडेंट होती हैं तो ये लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज करती हैं. दैट्स वाई दिस लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड अ कन्वर्जिंग लेंस. और जिस पॉइंट पे ये कन्वर्ज करती हैं वो पॉइंट कहलाता है इसका फोकल पॉइंट, और इसे हम कहते हैं फोकल लेंथ ऑफ लेंस. सिमिलरली कॉनकेव लेंस में जब कोई लाइट रेज पैरेलल इंसिडेंट होती हैं तो ये लाइट रेज डाइवर्ज होती हैं. दैट्स वाई दिस लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस. और ये जिस पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई अपीयर होती हैं दैट इज अ पॉइंट विच इज़ द फोकल पॉइंट ऑफ दिस लेंस, एंड दिस इज द नेगेटिव फोकल लेंथ ऑफ लेंस वी कंसिडर. लेकिन कॉन्वेक्स लेंस का एक कन्वर्जिंग बिहेवियर और कॉनकेव लेंस का डाइवर्जिंग बिहेवियर सिर्फ तब तक वैलिड है जब सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है. यानी अगर एयर में किसी भी मटेरियल का लेंस रखेंगे तो कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग होगा और कॉनकेव डाइवर्जिंग होगा. लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी कर दी जाए कि यही कॉन्वेक्स लेंस है, सराउंडिंग में हमने कोई लिक्विड फिलअप कर दिया है और इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा है जिसे म्यू ऑफ सराउंडिंग कहा जाए और लेंस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एल है, सच दैट म्यू ऑफ सराउंडिंग इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ लेंस मटेरियल. यानी सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर है कंपेयर टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मटेरियल. यानी लेंस का जो मीडियम है वो रेयरर है. तो इन सच केसेस बिहेवियर ऑफ लेंस गेट रिवर्स. यानी इस पे पैरेलल लाइट रेज आएंगी तो ये इन लाइट रेज को डाइवर्ज कर देगा और इस केस में ये लेंस डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा और यहाँ पे जो फोकल लेंथ होगी वो नेगेटिव कंसिडर की जाएगी फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस. सिमिलरली यही बिहेवियर इन केस ऑफ अ कॉनकेव लेंस होता है कि अगर यहाँ पे हमने कोई सराउंडिंग मीडियम फिलअप कर रखा है और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एस ग्रेटर देन म्यू ऑफ लेंस मटेरियल है, सो इन दैट केस जब पैरेलल लाइट रेज इस लेंस पे इंसिडेंट होती हैं तो ये वाली लाइट रेज किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज करती हैं और इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस जो हम फोकल लेंथ लेते हैं वो पॉजिटिव कंसिडर करते हैं और फोकल पॉइंट आगे होता है. इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कभी भी कोई क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं तो डायरेक्टली आप ये रट के ना रखें कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस हमेशा कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग बिहेवियर को डिपिक्ट करते हैं. कॉन्वेक्स लेंस कैन ऑल्सो बिहेव एज डाइवर्जिंग लेंस अगर इसे ऐसे मीडियम में सबमर्ज किया जाए जो लेंस मटेरियल के मीडियम से डेंसर है. यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल, तो कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग हो जाएगा और कॉनकेव लेंस कन्वर्जिंग हो जाएगा. जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड. आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. पोजी प्लीज क्लियर करो. थैंक यू भाजी. सो स्टूडेंट एक और पॉइंट है इफेक्ट ऑफ कटिंग अ लेंस. एक लेंस को अगर कट किया जाए तो इमेज प्रोड्यूस पे क्या फ़र्क पड़ता है, या कई बार ऐसा भी होता है एक लेंस दो से ज़्यादा मटेरियल से मिलके बना होता है तो भी हम डिस्कस करेंगे कि उससे इमेज फॉर्मेशन पे क्या फ़र्क आता है. पहली चीज़ एक सिंपल केस हम डिस्कस करें कि अगर हमारे पास एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ एफ है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सेस है, यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से जितनी भी लाइट रेज इस लेंस के ऊपर गिरेंगी अगर इन्हें पैरेक्सियल कंसिडर किया जाए तो आफ्टर सम डिस्टेंस ये वाली लाइट रेज एक इमेज प्रोड्यूस करती हैं. लाइट रेज रुकती नहीं है, आगे भी जाती हैं. यानी यहाँ पे एक इमेज प्रोड्यूस हो रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑफ ऑल दीज लाइट रेज. ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू है और ये इमेज डिस्टेंस वी है. यू वी और एफ रिलेटेड है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f लेंस फार्मूले के साथ. इस सिचुएशन में अगर हम बात करें इस लेंस के एक छोटे से पोर्शन को रखा जाए, सिर्फ इतना पोर्शन, और नीचे वाला पूरा पोर्शन हटा दिया जाए तो क्या होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि इवन इन प्रेजेंस ऑफ लोअर पार्ट ऑफ लेंस ऊपर वाले पार्ट पे जितनी भी लाइट रेज यहाँ से ऑब्जेक्ट से गिर रही थी वो सारी आफ्टर रिफ्रैक्शन फाइनली दोनों सरफेस से रिफ्रैक्ट होके इसी पॉइंट पे आ रही थी. तो अगर रिमेनिंग पार्ट को हटा दिया जाए या हाइड कर दिया जाए, ओपेक कर दें या पेंट कर दें तो भी इमेज यहीं प्रोड्यूस होगी, लेकिन नंबर ऑफ लाइट रेज जो इस पे गिरेंगी वो कम हो जाएंगी. यानी अगर यहाँ पे एक स्क्रीन रखी जाए, स्क्रीन के ऊपर इमेज प्रोड्यूस करी जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ऑन स्क्रीन नंबर ऑफ लाइट रेज कम आएंगी तो इमेज की ब्राइटनेस या इंटेंसिटी रिलेटिवली कम हो जाएगी. लेकिन इमेज उसी जगह प्रोड्यूस होगी, उतनी ही शार्प होगी, कोई फर्क नहीं होगा एक्सेप्ट नंबर ऑफ लाइट रेज और नंबर ऑफ या टोटल अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी
जो इस पॉइंट पे इमेज प्रोड्यूस कर रही है वो कम हो जाएगी. यानी हम ये कह सकते हैं कि एवरी स्मॉल पार्ट ऑफ लेंस बिहेव्स लाइक अ कंप्लीट लेंस. इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखें, एवरी स्मॉल पार्ट ऑफ लेंस बिहेव्स लाइक कंप्लीट लेंस. इस चीज का आपको ध्यान में रखना है कि कोई छोटा सा भी पार्ट है तो उसके ऊपर आप लेंस फार्मूला लगा के एज इट इज इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं बाय कंसीडरिंग इट एज अ कंप्लीट लेंस. सिर्फ लेंस के जो पार्ट के साइज से इमेज की ब्राइटनेस पे फर्क पड़ेगा, वो भी तब जब उसे किसी स्क्रीन के ऊपर प्रोड्यूस किया जाएगा. इस चीज को आपको ध्यान में रखना है. नाउ कई बार ऐसी भी सिचुएशंस हमारे सामने आती हैं कि अगर हमारे पास एक लेंस है और इसमें मल्टीपल मटेरियल्स डाले गए हैं लेंस के अंदर, दिस इज म्यू वन, दिस इज म्यू वन, दिस इज म्यू वन, और ये एक दूसरा मटेरियल है जो म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, ये भी म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है. यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर कहीं पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है एट ए डिस्टेंस यू फ्रॉम लेंस, सो दो मटेरियल यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर सर्फेसिस का सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो जो पार्ट म्यू वन मटेरियल का है वो एक लेंस की तरह बिहेव करेगा और जो जो पार्ट म्यू टू मटेरियल का है वो दूसरे लेंस की तरह बिहेव करेगा. यानी जितनी भी लाइट रेज म्यू वन मटेरियल के ऊपर गिरेंगी वो सारी एक इमेज प्रोड्यूस करेंगी जिसकी फोकल लेंथ होगी एफ वन विद द लेंस मेड अप ऑफ म्यू वन, और फाइनली इमेज यहाँ प्रोड्यूस हो रही है. सो इट वुड बी प्रोड्यूसिंग इमेज लाइक दिस. और जो जो लाइट रेज म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे गिरेंगी वो दूसरी इमेज प्रोड्यूस करेंगी, यानी वो एक दूसरे लेंस की तरह बिहेव करेगा. तो एक आई वन इमेज होगी और एक आई टू इमेज होगी, जिनकी वैल्यूज हम वी वन और वी टू कैलकुलेट करेंगे by using the focal length of lens 1 and lens 2. यानी ये होगी focal length of lens 1, ये वाली second की होगी focal length of lens 2, और lens maker formula में radius of curvature same रहेगा, mu 1 और mu 2 हम change करेंगे और correspondingly यहाँ पे दोनों images निकाली जा सकती हैं. इसी तरीके से अगर multiple refractive indexes एक lens के part में हैं तो हमेशा corresponding images निकाली जा सकती हैं. You need to be careful. आइए आगे बढ़ते हैं next point की तरफ. पोजी please clear करो. थैंक यू भोजी. सो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्टिकल पावर एंड लेंस मिरर कॉम्बिनेशन. ऑप्टिकल पावर आप ऑलरेडी ग्रेड 9 या 10 में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि किसी भी मिरर या लेंस के सिस्टम की जब हम ऑप्टिकल पावर की बात करते हैं तो ऑप्टिकल पावर को डिफाइन किया जाता है P इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ. और यहाँ पे इफ F इज इन मीटर्स, F को अगर मीटर में मेजर किया जाता है, देन पावर की जो यूनिट होती है इसकी यूनिट हम डिफाइन करते हैं डायप्टर, और इसे डिनोट किया जाता है डी से. यानी किसी भी लेंस या मिरर की पावर को कैपिटल डी यूनिट से डिफाइन किया जाता है जिसे डायप्टर भी कहा जाता है, लेकिन डायप्टर यूनिट के लिए फोकल लेंथ का मीटर में होना ज़रूरी है. साथ में एक और कन्वेंशन है फॉर कन्वर्जिंग डिवाइस. कन्वर्जिंग डिवाइस यानी पैरेलल रेज की रियल इमेज फॉर्मेशन या कन्वर्ज होती हैं, तो फॉर कन्वर्जिंग डिवाइस पावर इज टेकन एज पॉजिटिव, एंड फॉर डाइवर्जिंग डिवाइसेस पावर इज टेकन नेगेटिव. यू मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. कई स्टूडेंट्स जो साइन कन्वेंशन इंसिडेंट रे के अकॉर्डिंग लेते हैं उस साइन कन्वेंशन से, चाहे वो लेफ्ट जा रही हैं राइट जा रही हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के केसेस में पावर को फोकल पॉइंट के या फोकल लेंथ के साइन से रिलेट कर देते हैं, विच इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी. बट यस, इन जनरल हम ये कह सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस की पावर को हम पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि वो कन्वर्जिंग होता है. इसी तरह से कॉनकेव मिरर की जब पावर डिफाइन की जाती है वो पॉजिटिव होती है, वेरज उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव कंसिडर होती है. आप ये ध्यान रखें पावर का जो कन्वेंशन है ये एक ट्रेंड फॉलो होता है, या ये कहें कमर्शियल कन्वेंशन है, क्योंकि आप जो स्पेक्टिकल्स यूज़ करते हैं स्पेक्टिकल्स में भी पावर का पॉजिटिव और नेगेटिव का डायरेक्ट सिग्निफिकेंस कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग डिवाइस से होता है. तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, यू शुड नॉट गेट कन्फ्यूज विद दिस. नाउ जब हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन में हमेशा आपको ये ध्यान रखना है पावर्स आर एडेड अप. यानी जब हम लेंस कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो जितने भी लेंसेज आप कंबाइन करेंगे, लाइक हमारे पास एक कॉनकेव लेंस है,
इससे हमने कॉन्वेक्स लेंस है उससे हमने कॉनकेव लेंस को ज्वाइन करके पास पास रख दिया। अगर फोकल लेंथ इसकी F1 है और इसकी F2 है तो जब लाइट इसमें से पास होगी तो इसकी हम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ FEQ डिफाइन करते हैं विच इज़ गिवन एज इक्विवेलेंट पावर इज इक्वल्स टू P1 + P2। यहाँ पे P1 को पॉजिटिव लिया जाएगा, P2 को नेगेटिव लिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है, कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग है। कई स्टूडेंट्स इसको डायरेक्ट फार्मूले की तरह याद रख लेते हैं, बट आई सजेस्ट कि आप इस मेथड को यूज़ कीजिए, कभी भी किसी भी केस में आपकी लेंस मिरर कॉम्बिनेशन में मिस्टेक नहीं होगी। और आप यहाँ पे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैलकुलेशन कर सकते हैं, 1/F equivalent = 1/F1 + 1/F2, और F1 आप पॉजिटिव डालेंगे, F2 को आप नेगेटिव सब्सटीट्यूट करेंगे, बीच में साइन हमेशा पॉजिटिव रहने दीजिए। अब हम बात करें लेंस कॉम्बिनेशन की बजाय लेंस एंड मिरर कॉम्बिनेशन। सो लेंस एंड मिरर कॉम्बिनेशन की अगर बात की जाए, सो इस तरह का सिचुएशन होता है कि हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है और इसके आगे हमने एक कॉन्वेक्स लेंस रख दिया है, या ये कहें कॉन्वेक्स लेंस की एक सरफेस को पॉलिश कर दिया। सो इन सच केसेस आप देखिए, यहाँ से इंसिडेंट रे इसके ऊपर आएगी, पहले लेंस से रिफ्रैक्ट होगी, फिर मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, फिर लेंस से रिफ्रैक्ट होकर रिफ्रैक्टेड रे बाहर आएगी। रिफ्रैक्शन देन रिफ्लेक्शन देन रिफ्रैक्शन, यानी लेंस दो बार यूज़ होगा और मिरर एक बार यूज़ होगा। सो दिस सिस्टम बिहेव्स लाइक एन इक्विवेलेंट मिरर, दिस बिहेव्स लाइक एन इक्विवेलेंट मिरर, क्योंकि फाइनली लाइट रे जिस डायरेक्शन से इंसिडेंट रे आई है उसी डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ पे हम इक्विवेलेंट पावर को डिफाइन करेंगे, पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर प्लस पावर ऑफ लेंस। रीज़न है कि लेंस दो बार यूज़ हुआ है, मिरर एक बार यूज़ हुआ है। अब बात आती है साइन कन्वेंशन की, तो यहाँ तीनों को पॉजिटिव लेंगे क्योंकि लेंस भी कन्वर्जिंग है, मिरर भी कन्वर्जिंग है, और फिर वापस लेंस कन्वर्जिंग है। सो दिस कैन बी रिटन एज 1/F equivalent for mirror is equals to 1/focal length of mirror plus 2/focal length of lens, और दोनों को पॉजिटिव लेके डालना है। आप यहाँ पे साइन कन्वेंशन अपना लेफ्ट राइट वाला यूज़ ना करें तो हमेशा आप गलती से बचे रहेंगे। डायरेक्ट आप यही फॉर्मूले यूज़ करें, मल्टीपल लेंसेज हैं, मल्टीपल केसेस यूज़ करें। एक मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर एक इलस्ट्रेशन फॉर्मेट भी एक्सप्लेन करूँगा जिससे और बेटर आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी। आइए वही इलस्ट्रेशन फॉर्मेट देखते हैं कि किस तरह से इन सिचुएशंस को अप्लाई किया जाता है। नाउ आगे बढ़ते हैं। फौजी प्लीज़ क्लियर करो। थैंक यू भोजी। सो स्टूडेंट, एक बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमारे सामने कई बार आते हैं, दैट इज़ इमेज फॉर्मेशन एट दी लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। बहुत सारे केसेस होंगे जहां पे आपको एक ऑप्टिकल सिचुएशन गिवन होगी और ये कहा जाएगा कि इमेज इज़ प्रोड्यूस्ड ऑन ऑब्जेक्ट इट्सेल्फ, जिसको सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। एक केस यहां पे हम लेंस मिरर कॉम्बिनेशन का लेते हैं, और एक दूसरा तरीका मैं आपको वर्बली बता देता हूं कि किसी भी ऑप्टिकल सिस्टम से अगर इमेज ऑब्जेक्ट पे प्रोड्यूस हो रही है तो उसका मीनिंग ये है कि रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज अपने पाथ को रीट्रेस कर रही हैं। वो तभी पॉसिबल है कि उस सिस्टम में जो भी मिरर है उस पर लाइट रेज नॉर्मली गिरते हैं। ये पहले भी हम एक प्रीवियस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की चेकलिस्ट में बात कर चुके हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं केस की। आप देखिए, एक कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 और 30 सेंटीमीटर्स हैं, और बॉटम फेस को सिल्वर करके मिरर जैसा बना दिया गया है, और एक पिन को कुछ हाइट पे एच पे रखा गया, और क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन दिया गया है। यहाँ पे पूछा गया है फाइंड एच सो दैट इमेज ऑफ पिन इज प्रोड्यूस्ड ऑन इट्सेल्फ। इसी पिन के ऊपर इमेज इसकी प्रोड्यूस हो रही है, उसके लिए एच की वैल्यू यानी कितनी हाइट पे इस पिन को रखा जाएगा ये पूछा गया है। सो इन दिस सिचुएशन एच निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल सकते हैं और इस सिस्टम को एक इक्विवेलेंट मिरर मान सकते हैं। सो अगर इस पिन को किसी भी मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी इमेज वापस वहीं पे बनेगी, यानी इस एफ इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल के हम डबल कर दें तो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर की हाइट आ जाएगी। सो उसके लिए पहले यहाँ पे हम यूज़ करते हैं लेंस मेकर फार्मूला। सो लेंस मेकर फार्मूला से फोकल लेंथ ऑफ लेंस निकल जाएगी। फॉर कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस वी यूज R1 R2 / μ - 1 × R1 - R2 का मैग्नीट्यूड। सो इन दिस केस हम इस लेंस की मटेरियल को ग्लास का मान लेते हैं, दिस इज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2।
सो ये फोकल लेंथ हमारे पास आती है 30 × 60/0.5 मल्टीप्लाइड बाय 30, तो ये 30 कैंसिल होगा, दिस गिव्स यू 120 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ ऑफ मिरर यहाँ पे होगा R2/2 यानी 15 सेंटीमीटर, क्योंकि 30 सेंटीमीटर रेडियस की सरफेस को पॉलिश किया है तो मिरर की फोकल लेंथ होती है R/2। एज वी हैव गॉट द मिरर एंड लेंस फोकल लेंथ, तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं 1/F = 1/focal length of mirror + 2/focal length of lens, क्योंकि जब पिन से लाइट इस सिस्टम में जाएगी तो पहले लेंस यूज़ होगा, फिर मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, फिर वापस लेंस यूज़ होगा, यानी लेंस दो बार यूज़ हो रहा है। और क्योंकि दोनों कन्वर्जिंग डिवाइसेज हैं, लेंस भी कॉन्वेक्स यानी कन्वर्जिंग है, मिरर कॉन्केव यानी कन्वर्जिंग है, हम पॉजिटिव यूज़ करेंगे। 1/F = 1/15 + 2/120, जिसे आप लिख सकते हैं दिस कैन बी रिटन एज 1/60, सो दिस विल बी 4/60, दिस 5/60, यानी यहाँ से एफ इक्विवेलेंट का वैल्यू आ रहा है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस इक्विवेलेंट सिस्टम, यानी एच का वैल्यू आप डायरेक्टली ट्वाइस ऑफ एफ इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, यानी 24 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 24 सेंटीमीटर पर अगर पिन रखी जाए तो इसकी इमेज वापस इसी पे बनेगी। अब मैं चाहूँगा आप इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से खुद ट्राई करके रिजल्ट को वेरीफाई करें। एच को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लीजिए और इस 60 सेंटीमीटर की सरफेस के लिए आप रिफ्रैक्शन फार्मूला लगाइए, जो था μ2/V − μ1/U = μ2 − μ1/R, यानी इस पेन की जो लाइट टॉप सरफेस से रिफ्रैक्ट होके जाएगी, अगर वो इस मिरर पे परपेंडिकुलर एंटर करती है, परपेंडिकुलर इंसिडेंट करती है, यानी इस सरफेस से जब लाइट आएगी तो वो 30 सेंटीमीटर से आते हुए अपीयर हो, क्योंकि इसके सेंटर पे जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी लाइट नॉर्मल गिरेगी। सो आप सिंपली यहाँ पे एच को यू लीजिए, म्यू वन को 1 लीजिए, म्यू टू को 3/2 लीजिए, आर को -60 लीजिए, यू भी आपको माइनस एच लेना है। सॉल्व करके वी को आप सिंपली -30 डाल दीजिए, आपके पास डायरेक्ट एच की वैल्यू आएगी और सेम 24 सेंटीमीटर रिजल्ट आएगा, यानी एक ही रिफ्रैक्शन फार्मूले से डायरेक्टली ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। और यहाँ पे हमने इसको लेंस मिरर कॉम्बिनेशन से सॉल्व किया। यू मस्ट वेरीफाई रिजल्ट, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करना, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है तो आपको कोई भी मार्क्स डिडक्ट होने में किसी भी तरह का कोई फ्लॉ आपके साथ नहीं रहेगा और आप फुल मार्क्स एग्जाम में सिक्योर कर पाएंगे। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एज फार एज लेंस मिरर कॉम्बिनेशन इज कंसर्न, दिस अ वेरी गुड एग्जाम्पल जो ऑलरेडी जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसको मैंने इलस्ट्रेशन फॉर्म में लिया है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। पोजी प्लीज क्लियर करें। थैंक यू पोजी। सो स्टूडेंट, हम ऑलमोस्ट लास्ट पॉइंट पे आ गए हैं थिन लेंसेज के पॉइंट्स से रिलेटेड, अगर हम बात करें, क्योंकि इसके बाद हम डिस्पर्जन की बात करेंगे। एक एक्सपेरिमेंट है डिस्प्लेसमेंट मेथड एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट को लैब में किया जाता है किसी भी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ का एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट करने के लिए, एंड दिस क्वाइट अ प्रिसाइज मेथड, जिससे हम किसी भी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ एग्जैक्ट या प्रिसाइज अच्छे प्रिसीजन के साथ मेजर कर सकते हैं। अगर इस एक्सपेरिमेंट की बात करें, ऑप्टिकल बेंच पे हम इस तरह से करते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट गिवन है जिसकी लोकेशन फिक्स रखी जाती है और एक कुछ डिस्टेंस पे स्क्रीन को फिक्स कर दिया जाता है, और हम बीच में लेंस को रख के ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट की इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो आप हमेशा ध्यान रखें, जब हम ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस की बात करते हैं, इफ़ दिस डिस्टेंस इज डी, एक बेसिक पॉइंट ध्यान रखें, फॉर ऑब्टेनिंग रियल इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट by a convex lens, separation between object and image must be greater than 4f। एक बेसिक पॉइंट आप ध्यान रखें, जिसको मैं कॉन्सेप्ट वीडियोस में प्रूव भी कर चुका हूं, आप चाहें तो कॉन्सेप्ट वीडियो से रेफर कर सकते हैं, या फिजिक्स गैलेक्सी वॉल्यूम 4 में इसका प्रूफ भी दिया हुआ है, एक सेपरेट आर्टिकल में आप इसको रिव्यू कर सकते हैं। बट अभी एक चीज़ ध्यान रखें कि जब भी कभी रियल इमेज बनानी हो एक रियल ऑब्जेक्ट से, तो इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो हमेशा 4 times दी फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस से ज़्यादा ही होता है। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट की स्क्रीन पे इमेज बनानी है, ये बात थ्योरी में, कॉन्सेप्ट वीडियोज़ में, बुक्स में, सब जगह
कई बार की जा चुकी है, और आप हमेशा ध्यान रखेंगे स्क्रीन पे जो इमेज ऑप्टेन होती है वो हमेशा रियल इमेज ही ऑप्टेन हो सकती है, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे ऑप्टेन नहीं किया जा सकता। ऑल्दो नेकेड आई से देखा जा सकता है, जैसे आप एक मिरर में अपनी वर्चुअल इमेज देख सकते हैं, लेकिन स्क्रीन के ऊपर कभी भी रियल इमेज ऑप्टेन नहीं की जा सकती, स्क्रीन पे हमेशा रियल इमेज ही ऑप्टेन की जाती है। सो एक रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज अगर बनानी है तो यहाँ पे पहली कंडीशन है ऑब्जेक्ट इमेज और ऑब्जेक्ट स्क्रीन का डिस्टेंस 4f से ज़्यादा ही होना चाहिए। नाउ इन दिस सिचुएशन अगर यहाँ पे इमेज प्रोड्यूस करने के लिए हम एक लेंस यूज़ करते हैं और लेंस की फोकल लेंथ f है, ये डिस्टेंस u है, ये डिस्टेंस v है, सो आप यहाँ पे u की वैल्यू नेगेटिव लेंगे, v की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे और फोकल लेंथ f यूज़ करेंगे। सो आप ये कह सकते हैं बाय लेंस फार्मूला, इन दिस केस 1 बाई वी माइनस 1 बाई माइनस ऑफ u इज 1 बाई f, सो दिस बिकम्स 1 बाई वी प्लस 1 बाई u इज इक्वल्स टू 1 बाई f। आप अगर ध्यान से देखें तो इस रिलेशन में u और v इंटरचेंजेबल हैं, 1 बाई वी प्लस 1 बाई u, यानी अगर लेंस को ऑब्जेक्ट से v डिस्टेंस पे रखेंगे तो इमेज u डिस्टेंस पे आएगी, यानी अगर इस लेंस को यहाँ से x डिस्टेंस डिस्प्लेस किया जाए और इस जगह पे शिफ्ट किया जाए सच दैट कि ये वाली डिस्टेंस u है और ये वाली डिस्टेंस v है, देन ऑल्सो इमेज विल बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। अगर यहाँ पे पहली इमेज S1 है और दूसरी इमेज S2 प्रोड्यूस हो रही है सो दोनों इमेजेस शार्प होंगी, हम ये कह सकते हैं टू पॉसिबल शार्प इमेजेस कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन फॉर टू लेंस पोजिशंस। यहाँ पे दो लेंस की पोजीशंस के लिए, ये अगर L1 पोजीशन है और ये L2 पोजीशन है, सो दोनों के लिए शार्प इमेजेस प्रोड्यूस होंगी। हम ऑप्टिकल बेंच पे पहले लेंस की एक लोकेशन पे इमेज निकालते हैं और इसे डिस्प्लेस करके इसका डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, दैट्स वाई इस एक्सपेरिमेंट का नाम डिस्प्लेसमेंट मेथड कहा गया है, और दोबारा वो लोकेशन लेते हैं जहाँ पे इमेज शार्प है, क्योंकि जब आप हिलाएंगे तो इमेज ब्लर हो जाएगी। ब्लरिंग ऑफ इमेजेस भी एक आर्टिकल फिजिक्स गैलेक्सी बुक में एक्सप्लेन किया गया डिटेल में, मैं चाहूँगा आप लोग उस आर्टिकल को भी अच्छी तरह से पढ़ लें। जनरली जेई मेन या नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लरिंग ऑफ इमेजेस पे क्वेश्चन नहीं आते, इमेजेस का मतलब शार्प इमेजेस ही हैं, बट एडवांस लेवल पे उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। सो हिलाते हिलाते उस पॉइंट पे फिर रोकें जहाँ इमेज शार्प बन रही है और ये डिस्प्लेसमेंट निकालें, तो आप ध्यान से देखें इस एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, क्योंकि ये डिस्टेंस वी है, ये यू है, तो यहाँ पर हमारे पास कैपिटल डी तो निकल के आता है यू प्लस वी, और x निकल के आता है v माइनस u, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और इन दोनों को लेंस फार्मूले के साथ यूज़ करें तो फोकल लेंथ निकल के आती है, और यहाँ पे जो फोकल लेंथ ऑफ लेंस निकल के आती है, फार्मूला आप ध्यान रखें, दिस d स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4d, ये रिलेशन अपने आप में काफ़ी काम का, इसका डेरिवेशन बुक में कॉन्सेप्ट वीडियोस में हर जगह आपको मिल जाएगा। और एक रिलेशन और यहाँ पे काम का है, साइज ऑफ इमेज, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट साइज एस दिया हुआ है और इमेज साइजेस एस वन और एस टू हैं, सो यहाँ पे एक रिलेशन और हमारे पास काम आता है, ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एस वन एस टू। ऑब्जेक्ट साइज इमेज साइजेस का ज्योमेट्रिक मीन होता है, जो दो इमेजेस प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका ज्योमेट्रिक मीन होता है ऑब्जेक्ट का साइज। कई बार ऑब्जेक्ट की अगर बहुत छोटी साइज है तो उस साइज को लोकेट करने के लिए भी ये वाला रिलेशन यूज किया जाता है। सो आई सजेस्ट इन बेसिक रिलेशंस को ध्यान रखें, कई मैग्निफिकेशन बेस्ड रिलेशंस भी पूछे जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट केस में मैग्निफिकेशन आप यहाँ देखें फॉर L1 मैग्निफिकेशन होगा V बाई U, एंड फॉर पोजिशन L2 मैग्नीफिकेशन होगा u बाई v, क्योंकि सेकेंड केस के अंदर इमेज डिस्टेंस u है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप देख सकते हैं वैल्यू आती है m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 इज इक्वल्स टू 1 फॉर द टू केसेस। सो बेसिक मेथड है, रिलेशंस फार्मूले इंपॉर्टेंट है, इमेज फॉर्मेशन की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पोजी प्लीज क्लियर करो।
थैंक यू भोजी. सो स्टूडेंट, हम रे ऑप्टिक्स की लास्ट पॉइंट के ऊपर या लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चेकलिस्ट पे आ चुके हैं, दैट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट. हम दो तीन पॉइंट्स यहाँ लास्ट में कवर करेंगे डिस्पर्शन से रिलेटेड. कई जगहों पे डिस्पर्शन वेव ऑप्टिक्स का पार्ट भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम बात करते हैं कि कैसे किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट की वेवलेंथ से चेंज होता है, और क्योंकि वेवलेंथ से लिंक्ड एनालिसिस है इसे वेव ऑप्टिक्स का पार्ट भी माना जाता है. बट मोस्ट ऑफ द केसेस, मोस्ट ऑफ द कंसर्न्स में ये रे ऑप्टिक्स का ही पार्ट लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम बात करते हैं कि कैसे लाइट रे डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो सकती है, डिफरेंट बीम्स में स्प्लिट होती है. और जब भी एक लाइट रे किसी मीडियम में एंटर होती है, तो उस लाइट रे में अगर मल्टीपल वेवलेंथ्स हैं, तो उन सभी वेवलेंथ्स के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, तो लाइट स्प्लिट हो जाती है अपनी वेवलेंथ या कंपोनेंट्स में. सो सबसे पहले हम बात करेंगे कैसे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी करता है वेवलेंथ्स के साथ. दैट इज स्टडीड इन कॉशीज रिलेशन. कॉशीज रिलेशन से हमें पता चलता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी भी मीडियम का, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर. हाउएवर कुछ और टर्म्स भी यहाँ होती हैं, मगर कोएफिशिएंट जैसे ए और बी हैं, आगे के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वो नेग्लिजिबल होते हैं, और रे ऑप्टिक्स के अंदर दोज आर इनसिग्निफिकेंट, इसलिए लिए नहीं जाते. या हम देख सकते हैं किसी लाइट का अगर वेवलेंथ कम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा. जैसे अगर हम यहाँ पे कह सकते हैं लेमडा ऑफ रेड लाइट इज ग्रेटर देन लेमडा ऑफ वायलेट लाइट, दिस इम्प्लाइज म्यू फॉर रेड लाइट इज लेस देन दैट ऑफ म्यू फॉर वायलेट लाइट, यानी वायलेट लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा. सो हम ये कह सकते हैं अगर किसी भी मीडियम में, अगर यहाँ पे वाटर या ग्लास की बात की जाए और एयर में से कोई लाइट इस पे इंसिडेंट होती है, इफ़ इंसिडेंट एंगल इज आई और ये वाइट लाइट इंसिडेंट होती है, वी नो वेल कि वाइट लाइट में सारे कलर्स हैं, तो जब ये लाइट टूवर्ड नॉर्मल बेंड होगी तो हम ये कह सकते हैं कि वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का ज़्यादा होगा, तो वॉयलेट लाइट ज़्यादा बेंड होगी, यानी इस पॉइंट के बाद ये लाइट कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी, ये वॉयलेट होगी, ये रेड होगी और बीच में बाकी सारे कलर्स भी होंगे. बट इन द सिचुएशन परसेप्शन ये आता है कि जब लाइट एयर से वाटर या ग्लास में जाएगी तो यहाँ पे अलग अलग कलर्स में स्पेक्ट्रम की फॉर्म में लाइट स्प्लिट होगी, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता. उसका क्लियर रीज़न है कि अगर हम इसकी सरफेस पे बात करें तो ये वाइट लाइट की एक रे नहीं होती है, रे इज़ अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिकली इट इज़ ऑलवेज अ बीम, और बीम में बहुत सारी रेज होती हैं, उन सारी रेज का यहीं पर डिस्पर्जन होता है. दिस इज द फेनोमेना विच वी कॉल डिस्पर्जन ऑफ लाइट, दैट इज द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इन टू इट्स कॉम्पोनेंट कलर्स या कॉम्पोनेंट वेवलेंथ्स. तो सब लाइट्स का वेवलेंथ में अपनी अपनी कलर्स में डिस्पर्जन होगा और सारे कलर्स इसी रीजन में मिक्स होते हैं. अगर आप इस चीज़ को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो फिजिक्स गैलेक्सी बुक में ये चीज़ बहुत अच्छे से, बहुत सारे इलस्ट्रेटिव डायग्राम से एक्सप्लेन है, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी. प्रैक्टिकली यहाँ पर सिर्फ जो एजेस होती हैं वो वॉयलेट होती हैं और रेड होती हैं, ओनली एट एजेस कलर्स होते हैं रेड, और यहाँ पे एजेस होती हैं वॉयलेट कलर की, बीच में आलमोस्ट मिक्सचर होता है, कोई भी स्पेसिफिक कलर डिफाइन नहीं किया जा सकता, आलमोस्ट वाइटिश होता है, ऑफ वाइट कलर होता है, क्योंकि इन कलर्स में से रेड और वॉयलेट स्प्लिट हुए हैं, बाकी सारे कलर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं. और इन दिस पर्टिकुलर केस हम ये कह सकते हैं कि अगर वाटर में या ग्लास में अंदर कोई पेपर रखेंगे तो उस पर स्पेक्ट्रम नहीं बनेगा, एक वाइट बैंड बनेगा जिसके एजेस रेड या वॉलेट होंगी. इसी चीज़ को हम आगे ले जा सकते हैं. अगर प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म में एक बार और नेक्स्ट पॉइंट पे रिफ्रैक्शन होता है और ये कलर्स स्प्लिट हो जाते हैं. जैसा आपने अपनी अर्ली क्लास में 9th या 10th में पढ़ा होगा कि डिस्पर्जन में एक वाइट लाइट जब प्रिज्म से पास होती है तो डिस्पर्जन में स्पेक्ट्रम बनता है विच कैन बी इवन ऑब्टेंड ऑन स्क्रीन. सो हम छोटी छोटी कुछ चीज़ें नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर कवर अप करते हैं. डिस्पर्जन को एनालाइज करने के लिए किसी भी मटेरियल की डिस्पर्सिव पावर भी एनालाइज की जाती है, जो डिफरेंट केसेस में डिफरेंट होती है. कैसे एनालाइज करते हैं आइए देखते हैं. यहाँ पे हमने सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्पर्जन की बात करी है. डिटेल स्टडी आप फिजिक्स गैलेक्सी वॉल्यूम 4 से कर सकते हैं या कॉन्सेप्ट वीडियो से देख सकते हैं. आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. पोजी प्लीज़ क्लियर करो. थैंक यू भोजी. सो स्टूडेंट, यहाँ हम बात करेंगे डिस्पर्जन ऑफ अ वाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म, जिस बारे में बेसिक एनालिसिस आपने ग्रेड 9-10 में किया हुआ है. सेम सिचुएशन आपको यहाँ दिखाई दे रही है. अगर किसी
एंगल ऑफ इंसिडेंस आई के ऊपर एक वाइट लाइट इंसिडेंट होती है अंदर, ये रेड वायलेट में स्प्लिट होती है। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर ग्लास स्लैब या सिंगल मीडियम है तो अंदर लाइट की स्प्लिटिंग नहीं होती क्योंकि सारी लाइट रेज मर्ज हो जाती हैं, और इसके बाद एक और सरफेस आने की वजह से अप टू सम एक्सटेंस तो लाइट मर्जिंग रहती है, लेकिन जैसे जैसे लाइट दूर होती जाती है लाइट बीम्स स्प्लिट होती जाती हैं, और अगर इसके आगे एक स्क्रीन लगाया जाए तो स्क्रीन के ऊपर ये वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम विबग्योर यहाँ पे दिखाई भी देता है। स्पेक्ट्रम आपने देखे होंगे, लेकिन आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं इस स्क्रीन को अगर पास लाते जाएं और बिल्कुल ऑलमोस्ट इस प्रिज्म की मैट सरफेस से टच कराएं तो इसके नेबरहुड रीजन में कोई स्पेक्ट्रम दिखाई नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट लाइट की मर्जिंग हो जाती है। डिस्टेंस होने की वजह से वो लाइट्स एक दूसरे से दूर होते होते बीम्स में स्प्लिट होती हैं और कलर्स यहाँ पे दिखाई देते हैं, लेकिन कहीं पे भी कलरफुल बैंड के बीच में गैप या ब्लैंक स्पेस नहीं होता बिकॉज इट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल वाइट लाइट। इन दिस सिचुएशन जो एक्चुअल डायरेक्शन है उससे रेड का डिवीशन देखें डेल्टा आर होता है, वायलेट का डिवीशन डेल्टा रेड होता है, और मीन डिवीशन हम ये मान के चलते हैं कि येलो लाइट को कंसिडर किया जाता है कि ओरिजिनल डायरेक्शन से जो येलो का डिवीशन है डेल्टा वाई, दिस कॉल्ड एज मीन डिवीशन। एंड फॉर अ गिवन सिचुएशन प्रैक्टिकल कंसिडरेशन में जो डेल्टा आर और डेल्टा वायलेट का जो डिफरेंस है जिसके बीच में लाइट स्प्लिट हो रही है दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन एंगल। बेसिक टर्म्स आप ध्यान रखें, डिस्पर्जन एंगल कैपिटल डी इज गिवन एज डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर एंड मीन डिवीशन इज कंसिडर्ड एज डेल्टा वाई। सेम एनालिसिस मैथमेटिकल फॉर्म में करने के लिए हम स्मॉल एंगल प्रिज्म को यूज़ करते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस आपके सामने जेई मेन या नीट में आएंगे वो स्मॉल एंगल प्रिज्म के आएंगे, रादर इवन इन जेई एडवांस लार्ज एंगल प्रिज्म के केसेस कभी पूछे नहीं गए हैं। स्मॉल एंगल प्रिज्म की अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट यहीं पर ले सकते हैं, डिस्पर्जन ड्यू टू स्मॉल एंगल्ड prism. For a small angled prism here we can talk delta red होगा हमारे पास a multiplied by mu of red minus 1 delta violet होगा a multiplied by mu of violet minus 1 delta y होगा a multiplied by mu of yellow minus 1. These are the deviations we use. और यहाँ पे एक और important चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, point number 16 हम कह सकते हैं that is dispersive power ऑफ अ मटेरियल, और स्पेसिफिकली यहाँ पे बात करें प्रिज्म मटेरियल की हम बात कर रहे हैं, डिस्पर्सिव पावर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मटेरियल, डिस्पर्सिव पावर ओमेगा डिफाइन किया जाता है डी थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, वेयर डी थीटा इज द डिस्पर्शन एंगल एंड थीटा इज डिफाइंड एज द मीन डेविएशन। डी थीटा और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज डेल्टा थीटा बाय थीटा, वेयर डेल्टा थीटा वी राइट डिस्पर्शन एंगल and theta is defined as mean deviation of light, that is the deviation corresponding to yellow color of light. So a basic point ध्यान रखें, अगर आप dispersive power की value calculate करेंगे तो यहाँ से आप delta v minus delta r निकाल सकते हैं, so आपके पास dispersive power का value आ जाता है mu v minus mu r divided by mu yellow minus 1. There is also a relation you need to keep in mind for any given situation. अदरवाइज आप किसी भी केस के लिए डिस्पर्सिव पावर सेपरेटली भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर किसी लाइट बीम में दो वेवलेंथ हैं लेमडा वन लेमडा टू तो उनके लेमडा वन लेमडा टू के कॉरस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस आप यूज़ कर सकते हैं और डिस्पर्सिव पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई जो मीन डेविएशन होगा, म्यू मीन ले सकते हैं उसकी जगह, मीन डेविएशन जो होगा उसकी वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट होगी, और मीन डेविएशन को अगर कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू बाई टू यानी दोनों के बीच का एंगल लिया जा सकता है। अप्रॉक्सीमेटली डेल्टा वाई और डेल्टा मीन कैन बी रिटन एज डेल्टा आर प्लस डेल्टा वी बाई टू इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, इस चीज़ का ध्यान रखें। आइए नेक्स्ट चलते हैं हम कुछ और केसेस की तरफ। पोजी प्लीज़ क्लियर करो। थैंक यू भोजी। सो स्टूडेंट अब हम बात करेंगे प्रिज्म कॉम्बिनेशंस की। दो तरह के स्मॉल एंगल प्रिज्म कॉम्बिनेशन कंसिडर किए जाते हैं जहाँ पे हम डिस्पर्जन से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। एक होता है अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, एक होता है डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन। अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज डिविएशन विदाउट डिस्पर्जन। अगर दो प्रिज्म को
स्मॉल एंगल प्रिज्म को एक दूसरे से इन्वर्टेड रखा जाए, जिनमें माना जा सकता है प्रिज्म एंगल ए और ए डैश है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और म्यू डैश हैं, अगर इन्हें पास पास रखा जाए और इस तरह से ए और म्यू की वैल्यू एडजस्ट की जाएगी, जैसे ही वाइट लाइट इंसिडेंट हो ये रेड और वायलेट में डिस्पर्स होती है और सेकेंड प्रिज्म क्योंकि उल्टा रखा हुआ है ये डिस्पर्जन को नलीफाई करता है और फाइनली बाहर वाइट लाइट आती है, लेकिन इसमें कुछ डिविएशन रहता है विच इज़ कॉल्ड मीन डिविएशन। सो हम ये कह सकते हैं वाइट लाइट फाइनली वाइट लाइट निकलेगी लेकिन अपने पाथ से डेविएटेड होगी। सो इस तरह का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है वाइट लाइट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, दिस कॉल्ड अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। एक्चुअली लाइट का कोई डिस्पर्जन नहीं हुआ या डिस्पर्जन को हमने कंपेंसेट किया, लेकिन देर इज सम डिविएशन, दिस कॉल्ड डिविएशन विदाउट डिस्पर्जन। यानी फर्स्ट का जो डी है, डिस्पर्जन एंगल ऑफ फर्स्ट प्रिज्म मस्ट बी इक्वल टू डिस्पर्जन एंगल ऑफ सेकेंड प्रिज्म। डिस्पर्जन एंगल को हम डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं डेल्टा ऑफ वायलेट माइनस डेल्टा ऑफ रेड, दैट इज टेकन एज ए इंटू म्यू माइनस वन। सो यहाँ से वैल्यू आएगी आपके पास ए मल्टीप्लाइड बाई म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड, इट हैज़ टू बी इक्वल टू ए डैश मल्टीप्लाइड बाई म्यू ऑफ वायलेट डैश माइनस म्यू ऑफ आर डैश, जिसमें डैश वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड प्रिज्म के हैं, विदाउट डैश वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट प्रिज्म के हैं। यानी इस म्यू के करस्पॉन्डिंग या म्यू आर म्यू वाई और म्यू वॉलेट और म्यू येलो डिफाइंड है, इस तरह यहाँ पर डिफाइंड है म्यू आर डैश म्यू वॉलेट डैश और म्यू येलो डैश, दीज आर वॉट वैल्यूज वी आर गोइंग टू यूज। अगर डिविएशन निकालना है तो यहीं पर डेल्टा मिनिमम निकाला जा सकता है विच इज डेल्टा फॉर प्रिज्म वन माइनस डेल्टा ऑफ प्रिज्म टू, क्योंकि फर्स्ट प्रिज्म ने कुछ डिविएशन दिया, सेकेंड प्रिज्म ने उसका अपोजिट डिविएशन दिया। सो द वैल्यूज वी आर गेटिंग इज ए मल्टीप्लाइड बाई म्यू ऑफ येलो माइनस वन माइनस ऑफ ए डैश मल्टीप्लाइड बाई म्यू वाई डैश माइनस वन। ये रिजल्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं, दीज आर द कंडीशंस एंड डिविएशन फॉर अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। सेकेंड कॉम्बिनेशन की बात करें विच इज़ अ डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन, जिसमें लाइट डिस्पर्स होती है, डिस्पर्जन नलीफाई होता है बट पूरा नहीं होता, लेकिन फाइनली जो लाइट निकलती है उसकी मीन लाइट अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन के पैरेलल होती है, दीज आर पैरेलल रेज। ड्यू टू स्मॉल एंगल प्रिज्म लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन ये भी नेग्लिजिबल होता है। इस लेटरल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा को आप 10 to 0 कह सकते हैं, क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि स्मॉल एंगल प्रिज्म बहुत थिन होता है तो ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइट रे नेग्लिजिबल है। लेकिन यहाँ पे रेड लाइट और वॉयलेट लाइट अलग अलग डायरेक्शन में निकलती है, तो आप ये कह सकते हैं इस वाइट लाइट का डिस्पर्जन हो रहा है, रेड और वॉयलेट में स्प्लिट हो रही है, लेकिन डायरेक्शन जो मीन येलो लाइट की डायरेक्शन है वो ओरिजिनल वाइट लाइट की ही डायरेक्शन रहती है। दिस डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्पर्जन विदाउट अ डेविएशन, क्योंकि यहाँ पे लाइट में कोई डेविएशन नहीं हो रहा है बट लाइट इज गेटिंग डिस्पर्स, वाइट लाइट स्प्लिट हो रही है लेकिन उसी डायरेक्शन में जा रही है। आप इस डेल्टा को नेग्लिजिबल कीजिए, येलो लाइट ओरिजिनल लाइट की ही डायरेक्शन में कंसिडर की जा सकती है। और यहाँ पे कंडीशन कह सकते हैं मीन डेविएशन ऑफ फर्स्ट प्रिज्म इज नलीफाइंग द मीन डेविएशन ऑफ सेकेंड प्रिज्म। सो जो कंडीशन आएगी हमारे पास डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन की, वो आएगी ए मल्टीप्लाइड बाई म्यू वाई माइनस वन is equals to a dash multiplied by mu y dash minus 1. This is the condition for dispersion without deviation. And agar yahan pe dispersion angle ki baat kare, which is also called total dispersion, then total dispersion d can be written as first dispersion minus second dispersion. This total d is d minus d dash, that can be written as a multiplied by mu v minus mu r माइनस ए डैश मल्टीप्लाइड बाय म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश, दिस व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इन दिस सिचुएशन। सो ये कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है, रिजल्ट्स ध्यान रखने हैं, जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर स्मॉल एंगल प्रिज्म के कॉम्बिनेशन का या प्रिज्म कॉम्बिनेशन का भी क्वेश्चन आता है डिस्पर्जन में, तो इन्हीं दोनों में से एक होगा, क्योंकि इनके अलावा कोई केस अपने करिकुलम में नहीं है, इन लेक्चर्स में या आप ये कहें जेई या नीट के बेसिक सिलेबस में नहीं है। जो भी आएंगे वो इन्हीं दोनों से डायरेक्टली रिलेटेड आएंगे, तो आपको रिजल्ट्स टिप्स पे रखने हैं। पहला डिस्पर्जन डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, दूसरा डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, दोनों चीज़ें दिमाग में रखें। आइए आगे बढ़ते हैं, ऑलमोस्ट वी आर एट द एंड ऑफ दिस चेकलिस्ट, तो कुछ पॉइंट्स और देखेंगे। पोजी प्लीज़ क्लियर करो। थैंक यू पोजी। सो स्टूडेंट्स, हम इस चेकलिस्ट के लास्ट पॉइंट पे हैं, जहाँ पे हम बात करेंगे ऑप्टिकल एब्रेशंस इन लेंसेज एंड मिरर्स।
एब्रेशंस अगर हम टर्म बात करें तो एब्रेशन टर्म डिफाइन की जाती है, ये कहा जाता है डिफेक्ट्स के लिए कि लेंसेज और मिरर में किस तरह के डिफेक्ट्स होते हैं जिस वजह से जो इमेजेस ऑब्टेन होती हैं स्क्रीन पे या किसी भी जगह पे वो इमेजेस परफेक्टली शार्प और एक एग्जैक्ट लोकेशन पे नहीं बन पाती। सो मिरर और लेंसेज के इन डिफेक्ट्स को अगर हम जानते हैं तो उन डिफेक्ट्स को कम करना या दूर करने की कोशिश की जा सकती है। सो दो तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, दो तरह के एब्रेशंस होते हैं जिनके बारे में स्टडी की जाती है। पहला डिफेक्ट होता है हमारे पास स्फेरिकल एब्रेशंस, और दूसरा डिफेक्ट होता है क्रोमेटिक एब्रेशंस। एब्रेशंस के बारे में हम कॉन्सेप्ट वीडियो में फिजिक्स गैलेक्सी बुक में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं, कंप्लीट थ्योरी इलस्ट्रेशन केसेस सब दिए हुए हैं। रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से टू द पॉइंट कुछ चीज़ें समझना जरूरी हैं। स्फेरिकल एब्रेशंस यूज होता है ड्यू टू मार्जिनल रेज, क्योंकि किसी लेंस या मिरर पे जब लाइट रेज आती हैं तो पेरेक्सियल और मार्जिनल सारी रेज एक साथ आती हैं, और अगर लेंस का साइज बड़ा है तो जो उसकी कॉर्नर्स पे एजेस पे लाइट रेज गिर रही हैं यानी वो लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हैं या ज़्यादा एंगल पे हैं, मार्जिनल रेज हैं, वो लेंस या मिरर फार्मूला को ओबे नहीं करती और किसी और जगह पे जाके प्रिंसिपल एक्सिस पे इंटरसेक्ट करती हैं यानी इमेज को डिस्टॉर्ट करती हैं। एक छोटा सा केस देखें अपन, अगर बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। सो कॉनकेव मिरर पे जब पैरेलल लाइट रेज आती हैं तो आप ये कह सकते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास वाली लाइट रेज हैं, ये वाली लाइट रेज इसके फोकल पॉइंट यानी आर बाई टू पे इमेज बनाती हैं, लेकिन अगर इसके दूर वाली लाइट रेज की बात की जाए तो वो एग्जैक्ट फोकल पॉइंट पे नहीं मिलती, फोकल पॉइंट के आगे किसी पॉइंट पे मिलती हैं, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली मीटिंग आउट एट फोकल पॉइंट, तो जो फोकस है वो डिस्टॉर्ट होके बड़ा हो जाता है, एक पिन पॉइंटेड फोकस नहीं रहता। दिस फेनोमेना इज व्हाट वी कॉल स्फेरिकल एब्रेशन। ऐसा ही लेंसेज में भी होता है कि लेंस पे अगर बड़ी लाइट बीम है तो एक पिन पॉइंट पे फोकस पे कन्वर्ज नहीं होती, डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, क्योंकि जो साइड एजेस हैं जहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ के लिए फोकल लेंथ को हम आर बाई टू नहीं ले सकते। आपने ध्यान दिया होगा जब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की चेकलिस्ट की बात कर रहे थे तब मिरर की फोकल लेंथ को हमने थीटा की टर्म्स में या डिस्टेंस फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस की टर्म्स में डिफाइन किया था। जब वो एंगल छोटा होता है यानी बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पास में लाइट आती है तो ही फोकल लेंथ को आर बाई टू लिया जा सकता है। सो ये होते हैं स्फेरिकल एब्रेशन। अगर बात करें स्फेरिकल एब्रेशन को कम कैसे किया जा सकता है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मैं सजेस्ट करूँगा आप ध्यान दें, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बट आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, फिजिक्स गैलेक्सी बुक में मिल जाएंगे, कॉन्सेप्ट वीडियो में मिल जाएंगे, वहाँ पर क्विकली रिव्यू ले सकते हैं। आप स्टॉप्स को यूज़ कर सकते हैं, यानी अगर यहाँ पे एक कार्डबोर्ड रखा जाए जिस कार्डबोर्ड में एक होल है और ये कार्डबोर्ड बड़ा है तो कोई लाइट बीम आ रही है तो सारी लाइट रेज इस कार्डबोर्ड से ब्लॉक हो जाएंगी और सिर्फ वही लाइट रेज आगे आएंगी जो इस होल में से निकल रही हैं, यानी हमने पेरेक्सियल रेज के अलावा जो लाइट रेज थी उन सारी रेज को सराउंडिंग में स्टॉप कर दिया। सो दिस व्हाट वी कॉल स्टॉप्स। सो स्टॉप्स को यूज़ करके हम मार्जिनल रेज को ब्लॉक कर सकते हैं और पेरेक्सियल रेज को अलाउ कर सकते हैं ताकि लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक शार्प इमेज प्रोड्यूस करें। इवन इन केस ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट इमेज के लिए भी स्टॉप्स यूज़ किए जा सकते हैं, या मिरर की आउटर सर्फेसेस को पेंट कर सकते हैं, लेंसेज की आउटर एजेस को पेंट करके सिर्फ छोटा सा अपर्चर ओपन रखा जा सकता है। इवन इंस्टीड ऑफ कॉनकेव मिरर हम पैराबोलिक मिरर यूज़ कर सकते हैं जिनके अंदर एब्रेशन इफेक्ट स्फेरिकल एब्रेशन इफेक्ट नहीं होता, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर्स के कॉरस्पॉन्डिंग कोई पैराबोलिक या कोई इक्विवेलेंट मिरर नहीं होता जहाँ पे कि अवॉइड किया जा सके, और पैराबोलिक मिरर के अंदर मैथमेटिकल एनालिसिस भी रिलेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट अपने सिलेबस में नहीं है इसलिए हम कवर नहीं कर रहे हैं। अगर हम बात करें क्रोमेटिक एब्रेशंस की तो क्रोमेटिक एब्रेशंस मिरर्स में नहीं होते। हम ये भी लिख सकते हैं मिरर्स are free from chromatic aberrations। इसका reason बिल्कुल clear है क्योंकि जब हम chromatic word की बात करें तो chromatic term directly wavelength से related होती है, और mirror से जब light reflect होती है तो wavelength से independent होती है। mirror का reflecting nature, incidence और reflecting angle directly related होते हैं, equal होते हैं, उनका wavelength से कोई link नहीं होता। whereas in case of lenses, focal length उसके refractive index पे depend करती है, तो अगर different wavelengths incident होती हैं तो अलग अलग wavelength के लिए focal length of lens भी अलग होगी। यानी अगर हमारे पास एक lens है इसके ऊपर वाइट लाइट अगर इंसिडेंट होती है तो वाइट लाइट के केस में हम ये कह सकते हैं कि वॉयलेट लाइट का फोकल पॉइंट यहाँ कहीं होगा
और रेड लाइट का जो फोकल पॉइंट होगा वो इससे आगे होगा, क्योंकि रेड लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, तो यही लाइट रेज जब डिस्पर्स होंगी और स्प्लिट होंगी तो रेड लाइट का फोकल पॉइंट कहीं और होगा, और इस पूरे रीजन में ये फोकल पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड फोकल पॉइंट, क्योंकि जितने भी कलर्स यहाँ पे हैं हर कलर का कोरस्पॉन्डिंग फोकस होगा, क्योंकि लाइट जब इस पॉइंट से पास होगी तो दिस स्मॉल रीजन विल बिहेव लाइक अ प्रिज्म, क्योंकि जिन दो लेंस की सर्फेसेस से लाइट पास हो रही है वो किसी एंगल पे और वो प्रिज्म की तरह बिहेव करेंगी. जनरली हम ये कह सकते हैं स्मॉल एंगल प्रिज्म की तरह बिहेव करेंगी, बिकॉज ऑफ विच जब ये लाइट जाएगी तो ये फोकल पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. इन फोकल लेंस की कैलकुलेशन बहुत ईजी है, यहाँ पे मैं डराइव नहीं कर रहा हूँ, वो कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट वीडियो में भी है और फिजिक्स गैलेक्सी बुक के अंदर भी वो की गई है. जो भी स्टूडेंट जी एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ओलंपिक पार्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फिजिक्स गैलेक्सी बुक में डिस्ट्रीब्यूटेड फोकल पॉइंट का डेरिवेशन यानी डिफरेंट कलर्स की फोकल लेंथ कैसे निकाली जा सकती है और उन फोकल लेंथ का आपस में क्या रिलेशन होता है, ये सारी चीजें आप डेरिवेशन में देख सकते हैं. उसी डेरिवेशन से एक चीज और निकल के आती है कि क्रोमेटिक एब्रेशन को अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज से अवॉइड किया जा सकता है. नेक्स्ट पॉइंट हम यहां पर ले लेते हैं 19, दैट इज अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, यानी अगर एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव लेंस नियर बाई रखे जाएं सच दैट इनकी फोकल लेंथ एफ वन और एफ टू है, एंड इफ यू कैलकुलेट ओमेगा वन बाई एफ वन प्लस ओमेगा टू बाई एफ टू इज इक्वल टू जीरो, सो दिस द कंडीशन. इन दिस केस जो वाइट लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होती है वही वाइट लाइट आगे बाहर जाके फाइनली इमेज प्रोड्यूस करती है. ये वाले लेंसेज क्रोमेटिक एब्रेशन के इफेक्ट्स को नलीफाई करते हैं अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है जहाँ पे ओमेगा वन और ओमेगा टू दोनों लेंसेज के मटेरियल की डिस्पर्सिव पावर्स हैं, एफ वन एफ टू इन दोनों की फोकल लेंथ है फॉर द एवरेज वैल्यू ऑफ वेव लेंथ ऑफ द ओवरऑल इंसिडेंट लाइट. दिस द वे हाउ वी डिफाइन इट, डिफरेंट केसेज में काम आएंगे, बट मुझे लगता है अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन पे बहुत सालों से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं और ना ही अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन सिलेबस में क्लियरली डिफाइंड है. अगर आप 15 साल पहले जाते हैं या कुछ सालों पहले, काफ़ी सालों पहले इस तरह के क्वेश्चंस आते थे जो अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन के होते थे, तब सिलेबस में क्लियरली अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन डिफाइन रहता था. सो नाउ डेज इट इज़ नॉट नीडेड टू बी स्टडीड, फॉर अ ग्लिम्स आई हैव गिवन यू. इस रिलेशन का डेरिवेशन भी फिजिक्स गैलेक्सी बुक में कॉन्सेप्ट वीडियोज में है, आप चाहें तो यू कैन गो थ्रू इट. पर्पजली मैं नहीं चाहूँगा जेई मेन या नीट के स्टूडेंट उस तरफ जाएं, बट जेई एडवांस या ओलंपियाड लेवल पे जो स्टूडेंट अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, फिजिक्स लवर्स हैं, वो उन डेरिवेशंस को देख सकते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम अपना टॉपिक ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कंक्लूड करते हैं. नेक्स्ट चेकलिस्ट एक बहुत ही छोटी सी चेकलिस्ट है जिसमें हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ ही हमारा टॉपिक ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रिओप्टिक्स कंप्लीटली ओवर हो जाएगा. सो नेक्स्ट चेकलिस्ट विल नॉट बी डिफाइंड एज रिओप्टिक्स, इट विल बी ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. सो एट द एंड आई वुड से कि अगर आपको पूरी सीरीज अच्छी लग रही है आप लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड स्प्रेड अ वर्ड ऑफ माउथ टू एज मैनी एज पॉसिबल स्टूडेंट्स इन योर सराउंडिंग, ताकि हम जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स हो सकें उन्हें अपनी सीरीज का, इस चेकलिस्ट सीरीज का बेनिफिट दे सकें. और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपनी कॉन्सेप्ट चेकलिस्ट बनाना शुरू नहीं किया है, वुड सजेस्ट वो सैम्पल वीडियो देखें और कॉन्सेप्ट चेकलिस्ट बनाना स्टार्ट करें. सो हियर वी कंक्लूड दिस चेकलिस्ट. विश ऑल द बेस्ट.